मुझे अपनी खाला के बेटे से बेहद मोहब्बत हो गई। यहाँ पर रहकर उसके पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। हमारी रोज बिला नागा फोन पर बात होती थी। मेरी खाला मुझे सख्त नापसंद करती थी। मुझे इस चीज का डर लगा रहता था कि कहीं मेरी खाला हमारी शादी से इनकार ना कर दें। मैं जब भी उससे इस बात का पूछती थी कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तो वो हमेशा कुरान पाक की कस्में उठाकर मुझे कहता था कि मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन मुझ पर बहुत बड़ी कयामत टूट पड़ी जब मुझे ये पता चला कि उसका निकाह फोन पर उसके मामू की बेटी के साथ हो गया है। तब मैं बहुत ज्यादा रोई, मेरी तो जैसे दुनिया हिल गई। जब मैंने उससे इस बात का जिक्र किया, इस बात का पूछा, तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत मजबूर था, मेरी मजबूरी थी। मेरा निकाह किसी और से जरूर हुआ है, लेकिन मैं प्यार सिर्फ तुम्हीं से करता हूं और सारी जिंदगी करता रहूंगा। फिर उसने निकाह करने के बाद अपनी बीवी को भी सऊदी अरब बुला लिया। वो मुझे कहने लगा कि मेरे घर वालों ने भेजा है, उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आज मुझ पर ये आलम है कि मैं उसकी याद में सारी सारी रात रोती रहती हूँ। कई बार तो इतना ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाने लगती हूँ, अपना हाथ काट लेती हूँ, अपना हाथ चला देती हूँ, जोर जोर से चीखें मारने लगती हूँ। मैं उसका नाम बार बार पुकारती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मेरे साथ तो ये आलम है कि ना तो वो मुझे भूलता है और ना ही मुझे उसकी टूटी कस्में भूलती हैं। आज उसकी बेवफाई ने मुझे एक सहनी मरीजा बनाकर रख दिया है। बस आज मेरी अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ है कि उसे दुनिया जहां की हर चीज मिले, बस उसे एक सुकून नसीब ना हो। वो भी किसी के लिए तड़पे तो शायद उसे ये एहसास हो कि उसने मेरी जिंदगी किस कदर बर्बाद कर दी।